केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, बीजेपी मुख्यालय में लोकगीतों और ढोल नगाड़ों के साथ किया गया भव्य स्वागत। अमित शाह के पहुंचने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश, सड़कों पर उमड़ी भीड़। अमित शाह आज पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दे पर की जाएगी चर्चा। सीएम ममता के साथ ही बिहार, झारखंड और ओडिशा के सीएम और आला ऑफिसर बैठक में रहेंगे मौजूद। अमित शाह पांच राज्यों की सीमाओं और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने से संबंधित मामलों पर करेंगे चर्चा। अमित शाह ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल समेत कई नेता रहे मौजूद। आज मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी का हल्लाबोल प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार पर महाराजा छत्रपति शिवाजी और महात्मा फुले के अपमान का लगाया आरोप। महाविकास अघाड़ी का आरोप, कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों का हो रहा है अपमान, महाराष्ट्र से बाहर भेजी जा रही है विकास परियोजनाएं, इसे भी प्रदर्शन का बनाया मुद्दा। आज महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट का विपक्ष पर पलटवार, सीएम शिंदे की पार्टी बाला साहेब बंची शिवसेना ने ठाणे और डोंबिवली में बंद का आह्वान किया है। उद्धव गुट के नेताओं की गलत बयानी को बनाया मुद्दा। बीजेपी का ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और सुषमा अंधारे पर गंभीर आरोप, कहा डॉक्टर अंबेडकर, रामकृष्ण, संत ज्ञानेश्वर और वारकरी संप्रदाय के खिलाफ इन लोगों ने दिया अपमानजनक बयान, मांगे माफी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान के खिलाफ बीजेपी ने खुला मोर्चा, आज पूरे देश में प्रदेश की राजधानियों में प्रदर्शन की तैयारी। भारत के विदेश मंत्री ने यूएन में बिलावल भुट्टो को दिखाया आईना, आतंकी पनाहगाह वाला अपना असली चेहरा देखकर भुट्टो ने खोया आपा। बिलावल भुट्टो ने की खीज भरी टिप्पणी, पीएम मोदी को बताया सिर्फ आरएसएस का पीएम की अभद्र टिप्पणी, कहा लादेन मारा गया लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा बिलावल भुट्टो के पूर्वज कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद के लिए थे जिम्मेदार, लिहाजा वो जानते हैं कसाई को। मीनाक्षी लेखी ने साधा निशाना, कहा बिलावल भुट्टो का बयान पाकिस्तान की दिवालिया मानसिकता का प्रतीक है। मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा भारत एक लोकतांत्रिक और संविधान से चलने वाला देश है, पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है क्लीन चिट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, 1971 में पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के दर्द से अभी तक रो रही है बिलावल भुट्टो, गहरे सदमे में है। यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते, बिना नाम लिए पाकिस्तान को बताया था आतंक का पनाहगा। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बिलावल भुट्टो पर साधा निशाना, कहा जिन लोगों ने आतंकवाद को जन्म दिया वो हमें सबक न सिखाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया शर्मनाक, कहा आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान, असली चेहरा दुनिया से छिपा नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आज 101 दिन पूरे, अब तक 8 राज्यों से गुजर चुकी है यात्रा। चीन विवाद पर राहुल ने की सख्त टिप्पणी, बोले सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, तवांग मुद्दे को छुपाने की कोशिश में है सरकार। जो चाइना का थ्रेट है और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया बदनाम करने का आरोप, बोले कांग्रेस बिखर गई है ये कहना गलत, यात्रा को देशभर से मिल रहा है समर्थन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट का आयोजन, जयपुर में यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में सुनिधि ने गाए गाने।
भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर बोले राहुल गांधी, कहा हर जगह मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स, बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने बोला हमला, कहा जब चीन ने देश के बड़े भूभाग पर किया कब्जा तो सोए हुए थे उनके नाना। तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो उस समय का भारत, नेहरू का भारत, इनको चावल पहुंचा रहा था चीनी सेना को। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चीन में साहस नहीं कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर सके। राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों ने की नारेबाजी, राहुल गांधी के सामने पायलट को सीएम बनाने की मांग। बिहार में शराब कांड पर सियासी संग्राम, फिर बोले सीएम नीतीश कुमार, शराब पियोगे तो मरोगे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा कर शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो टूक, बोले शराब से मौत पर नहीं देंगे मुआवजा, इस पर कोई संवेदना नहीं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 65, सिवान में भी 4 संदिग्ध की मौत। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप, कहा मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा लेकिन सरकार छुपा रही है सही आंकड़ा। जहरीली शराब से जो मौतें बढ़ रही हैं, एक चिंता का विषय है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आपा खो करके और जनता पर बरस रहे, जहां पार्टी पर बरस रहे थे बीजेपी के बारे में, वही जनता को कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी का फूटा गुस्सा, राजभवन तक किया मार्च। मशरक में प्रभावित इलाके में पहुंची बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी, पीड़ित परिवार से मुलाकात। नीतीश सरकार की शराबबंदी का कांग्रेस का समर्थन, पार्टी विधायक शकील अहमद बोले ये पहल अच्छी, इसे बदनाम करने की है कोशिश। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर की बात, मोदी और पुतिन में ऊर्जा सहयोग, व्यापार निवेश, रक्षा सुरक्षा सहयोग समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर हुई बात। ये मोदी और पुतिन ने में यूक्रेन में जारी युद्ध पर भी हुई बात, मोदी ने फिर कहा बातचीत और कूटनीति है एकमात्र रास्ता। पीएम मोदी ने पुतिन को G20 की अध्यक्षता और भारत की प्राथमिकताओं के बारे में भी दी जानकारी, दोनों लगातार संपर्क में बने रहने पर हुए सहमत। वाराणसी में काशी तमिल संगम समारोह का समापन, समापन समारोह में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुंबई नेशनल पार्क पहुंचा G20 प्रतिनिधिमंडल, पार्क की सुंदरता का आनंद लेते दिखे डेलीगेट्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप ऑफिस में देवप्रयाग के मेधावी छात्रों से की मुलाकात, ये सभी छात्र भारत दर्शन के लिए निकले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया, उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 431 लोगों को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति पत्र बांटे। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना ठाकरे गुट के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी पर 19 मामले हुए दर्ज, लगे हैं धोखाधड़ी, जमीन हड़पने जैसे कई गंभीर आरोप। विश्व हिंदू परिषद ने मैंगलोर पुलिस को लिखा पत्र, 31 दिसंबर की रात पब और रेस्टोरेंट में शराब और ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने की मांग। विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो का भव्य आयोजन, सेना के जवानों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट से बांधा समा। विजय दिवस के मौके पर मथुरा में वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हुए थे शहीद। चेन्नई में विजय दिवस की 51वीं सालगिरह पर मैराथन दौड़ का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया भाग।
36वां राफेल पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। वाटर कैनन से किया गया भव्य स्वागत। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर रहेगा तैनात। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने वाशिम में अपने पैतृक गांव में उठाया कबड्डी का लुत्फ। पत्नी क्रांति रेडकर भी मैच देखने पहुंची। सूरत में राजेश सुखाड़िया साइकिल पर करते हैं स्विगी फूड की ऑनलाइन डिलीवरी। करीब 70 किलोमीटर डेली साइकिल चलाकर लोगों तक पहुंचाते हैं खाना। नागपुर में स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे का कमाल। स्क्रैप से बनाई कम कीमत की 125 सीसी की पेट्रोल बाइक। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फैंस में बढ़ा और क्रेज। सिलीगुड़ी में अपनी फेवरेट टीम अर्जेंटीना के समर्थन में फ्लैग, टी शर्ट, कैप्स और दूसरे सामान खरीदते नजर आ रहे हैं फैंस। केरल के कोट्टायम में क्रिसमस की तैयारियां तेज। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। क्रिसमस मास्क और कॉस्ट्यूम खरीदते नजर आए लोग। 5 साल से छोटे बच्चों को स्टेटिस्फोकस निमोनिया से बचाने में मिलेगी मदद। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन कंपनी बायोलॉजिकल ई को दी वैक्सीन बनाने की इजाजत। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का किया उद्घाटन। 30 दिसंबर तक चलेगा फेस्टिवल। दिल्ली में हैंडलूम साड़ियों के कार्यक्रम विरासत का उद्घाटन। कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री दर्शना जारदोश भी शामिल। केजरीवाल सरकार ने की दिल्ली रोबोटिक्स लीग की शुरुआत। रोबोटिक्स के प्रति बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए लीग का मकसद। ठंड का प्रकोप बढ़ने पर अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान रामलला को उड़ाई गई रजाई। गर्म हवा के लिए लगाया गया ब्लोअर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बाघिन के शावक का बदला ठिकाना। कानपुर चिड़ियाघर लाया गया बाघिन का शावक। राजस्थान के भीलवाड़ा में 90 वर्षीय विधायक कैलाश मेघवाल इस उम्र में भी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने को हैं तैयार। कांग्रेस कमेटी की प्रदेश स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा का सहारनपुर में हुआ आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। हैदराबाद के कारोबारी नसीर खान ने 12 करोड़ की मैक्लॉरिन 765 एलटी स्पाइडर कार खरीदी। भारत की सबसे महंगी सुपरकार खरीदने वाली नसीर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में सीएम एन बीरेन सिंह ने गाय मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में देसी गायों को बिक्री के लिए लाया गया है। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को दिया आश्वासन। सभी जिलों में बारिश से प्रभावित किसानों को देंगे अपना समर्थन। भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। बांग्लादेश को दिया 513 रनों का बड़ा टारगेट। दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जलवा जारी। 258 रनों पर पारी घोषित। 51 पारियों बाद पुजारा के बल्ले से निकला शतक। नाबाद 102 रन जोड़े। शुभमन गिल ने करियर का जड़ा पहला शतक। 152 गेंदों में बनाए 110 रन। दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बनाए बिना विकेट खोए 42 रन। दो दिन का खेल अब भी बाकी। 3 साल बाद वापसी करने वाले ऑटो एक्सपो में अगले महीने 30 इलेक्ट्रिक कंपनियां शामिल होंगी। महिंद्रा स्कॉडा, फॉक्सवैगन और रेनो निसान के शामिल न होने के बावजूद बनेगा रिकॉर्ड। अर्जेंटीना की खाद्य उत्पाद कंपनी आर्कोर ने यूपी में निवेश करने में दिखाई दिलचस्पी। कई तरह के फूड प्रोडक्ट सेगमेंट में बिजनेस करने वाली आर्कोर चॉकलेट, आइसक्रीम और कुकीज बनाती है। गुजरात में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक पैकेज्ड सामान का ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एफएमसीजी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अडानी के प्रोडक्ट से मुकाबला करेगी। डेलॉयट इंडिया और सीआईआई ने 5G आने से टेलीकॉम सेक्टर के हर 3 साल में 12.5 अरब डॉलर की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। टेलीकॉम सेक्टर के 2023 के आखिर तक 125 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। नवंबर में भारत का निर्यात अक्टूबर के 31.8 अरब डॉलर से मामूली बढ़कर 31.9 अरब डॉलर हुआ। आयात नवंबर 2021 के 53.93 अरब डॉलर से बढ़कर 55.88 अरब डॉलर हुआ। क्रिस्टल ने दावा किया है
कि 2022 से 23 में घरों की कीमतों में 6 से 10 फीसदी तक इजाफा होगा। इस साल बड़े डेवलपर्स की बिक्री में 25 फीसदी और अगले साल 10 से 15 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान। क्रेडिट स्विस ने दावा किया है कि भारत आधिकारिक आंकड़ों के मुकाबले तेज बढ़ोतरी कर रहा है। कई ग्रोथ इंडिकेटर्स के आधार पर क्रेडिट स्विस ने कहा कि 2023 में जीडीपी में मजबूती आएगी। सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटाया। घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत से देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कहा। विदेशी निवेशकों को दी गई काफी सहूलियतों को भुनाने के लिए दिया सुझाव। भारत में आईफोन बनाने वाली एप्पल की वेंडर फॉक्सकॉन के कर्मचारियों की संख्या अगले 1.5 साल में 70,000 से ज्यादा होने का अनुमान। कंपनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की हायरिंग के लिए हॉस्टल बना रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया बड़ा मिसाइल हमला। कीव समेत यूक्रेन के ज्यादातर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर गिरे रूसी मिसाइल। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा उस पर लगे प्रतिबंधों का जल्द जवाब देगा रूस। एक दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों का किया था ऐलान। रूस पर लगी पाबंदियों के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस का दूसरे देशों से होने वाला व्यापार बढ़ा। अमेरिकी फेडरल बैंक के बाद यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की सेंट्रल बैंकों ने 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ाई ब्याज दरें। ईयू और ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई के बाद लिया गया फैसला। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास आए भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया राहत बचाव कार्य। 15 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। फ्रांस के लियो शहर के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। जर्मनी के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर ब्रिटेन की जेल में 8 महीने की सजा काटने के बाद स्वदेश लौटे। 3 बार के विंबलडन चैंपियन है बेकर। बर्फीली आंधी की चपेट में अमेरिका के कई इलाके, नॉर्थ डकोटा, मोंटाना, नेब्रास्का समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। बर्लिन में विशालकाय एक्वेरियम के फटने से मची अफरा तफरी। हजारों गैलन पानी फैलने के साथ 1500 किस्म की मछलियों की हुई मौत। दोहा में फाइनल से पहले आम लोगों के बीच देखने के लिए रखी गई फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी, कप की एक झलक पाने के लिए लोगों की लगी भीड़।